हेलो एवरीवन पावर सीरीज की ही एक और थ्योरम कोशी हडमार्स थ्योरम हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे स्टेटमेंट है फॉर एवरी पावर सीरीज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर आर आर कैसा है जीरो uh, से ग्रेटर और इक्वल एंड इन्फिनिटी से लेस मतलब पॉजिटिव है और कितना भी बड़ा हम ले सकते हैं और जीरो भी हो सकता है विद फॉलोविंग प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट uh, प्रॉपर्टी है द सीरीज कन्वर्जेज एब्सिल्यूटली फॉर मोड जेड लेस देन आर अगर मोड जेड लेस देन आर होगा तो सीरीज uh, जो है वो एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट होगी ठीक है मतलब एक रियल नंबर हर एक पावर सीरीज के uh, लिए एग्जिस्ट करता है आर कि जब भी मोड जेड लेस देन आर होगा सीरीज एब्सिल्यूटली कन्वर्जेंट होगी सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ लेस देन इक्वल रो लेस देन आर दैन सीरीज़ कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली फॉर मोर जेड लेस देन इक्वल रो तो इस कंडीशन के लिए सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी एंड इफ मोर जेड ग्रेटर देन आर अगर मोर जेड आर से बड़ा है द टर्म्स ऑफ सीरीज आर अनबाउंडेड एंड सीरीज इज़ कॉन्सिक्वेंटली डाइवर्जेंट तो इस सिचुएशन में इसकी सीरीज़ की टर्म्स जो है वो अनबाउंडेड होगी अनबाउंडेड होगी यानी कि इन्फाइनइट को अप्रोच करेगी तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी ये हमें प्रूव करना है ठीक है तो सल्यूशन या फिर प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ तो सबसे पहले हमें पावर सीरीज के लिए एक रियल नंबर आर डिफाइन करना है और वो रियल नंबर आर कोशी हडमर्स थ्योरम के हिसाब से इस तरह से डिफाइन होता है एट वन अपॉन आर इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मोड ए एन पावर वन अपॉन एन के तो पावर सीरीज में जो जेड एज टू पावर एन का कॉफिशियंट है उसका मॉडुलस पावर वन अपॉन एन है और इसका सुप्रीमम लिया गया है सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बाउंड और लिमिट एन टू इन्फिनिटी इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर ठीक है तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि ए एन की पावर वन अपॉन एन का जो सुप्रीमम है दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर यानी कि वन अपॉन आर जो है वो इसका सुप्रीमम बन रहा है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड बन रहा है इसके लिए मोड ए एन की पावर वन अपॉन एन के लिए यानी कि अपर बाउंड बन रहा है तो हमें पता है वन अपॉन आर से जो है ये अपर बाउंड है तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा मोड ए एन पावर वन अपॉन एन ये जो है फॉर ऑल एन लेस देन इक्वल होगा वन अपॉन आर से तभी तो वन अपोन आर इसका अपर बाउंड बनेगा और अपर बाउंड बनेगा तभी लीस्ट अपर बाउंड बन सकता है ठीक है तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास तो यहाँ से अगर हम मोड ए एन की बात करें तो ये होगा लेस देन इक्वल वन अपोन आर की पावर एन हमने दोनों तरफ पावर एन ले ली है ठीक है अब देखो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है वहाँ पे हमें मोड जेड लेस देन आर की कंडीशन लेनी है तो लेट सॉरी मोड जेड लेस देन कैपिटल आर जब मोड जेड कैपिटल आर से लेस है तो उस सिचुएशन में हमें पावर सीरीज़ को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है यानी हमें ये जो सीरीज़ बनती है मोड ए एन जेड रेस टू पावर एन इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो हम इस सीरीज uh, पे करेंगे जो भी कैलकुलेशंस करनी है इसे हम मोड ए एन मोड जेड पावर एन लिख सकते हैं ये मोड ए एन की जगह वन अपॉन आर पावर एन रखेंगे तो ये लेस देन इक्वल आ, मोड जेड की पावर एन आर पावर एन बनेगा तो सीरीज मोड ए एन जेड पावर एन ये लेस देन इक्वल सीरीज मोड जेड अपॉन आर पावर एन ठीक है क्योंकि हमने मोड z लेस देन r लिया है इसका मतलब मोड z अपॉन r जो होगा वो लेस देन वन होगा और ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है और ज्योमेट्रिक सीरीज जब उसका जो कॉमन डिफरेंस r होता है वो लेस देन वन होता है तो कन्वर्जेंट होती है तो ये जो सीरीज है यह ये वाली सीरीज सीरीज मोड z अपॉन r पावर n इज ज्योमेट्रिक सीरीज गुणोत्तर श्रेणी है एंड इट कन्वर्ज इज एज मोड जेड अपोन आर इज लेस देन वन ठीक है देखो ये जोमेट्रिक सीरीज़ होती है और ये आर लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट होती है ठीक है तो ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सीरीज़ है वो इससे लेस या इक्वल uh, है तो कंपैरिजन uh, टेस्ट से हम कह सकते हैं कि अगर ये बड़ी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी so by comparison test comparison test ye jo series hai hamari mod a n uh, z raised to power n is uh, convergent for condition kya thi mod z less than r मोड z less than r इसके लिए convergent होगी और जब ये सीरीज convergent होती है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि power series is एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट फॉर मोर जेड लेस देन आर और यही हमें प्रूव करना था ठीक है तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूव कर दी अब सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है सीरीज को और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव प्रौप करने के लिए हम जो वेरस्ट्रास एम टेस्ट है वो यूज़ करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी uh, में हमें सीरीज़ पावर सीरीज़ को जो हमारी पावर सीरीज़ है इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है सॉरी ये विजिबल नहीं है इसको हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए जो वेरेस्ट्रा सेम टेस्ट है वो हम यूज़ करेंगे तो वेरेस्ट्रा सेम टेस्ट में हम क्या करते हैं ये फंक्शंस की सीरीज़ है तो हम फंक्शंस uh, fun का जो मॉड्यूल्स है इससे uh, बड़ा कोई रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर ढूंढते हैं ठीक है थीके? और फिर अगर ये जो सीरीज़ है एम एन ये जो नॉर्मल सीरीज़ है फंक्शंस की सीरीज़ नहीं है अगर ये कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम कह देते हैं फंक्शन की सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी ठीक है तो हमें ये जो हमारा एफ एन जेड है इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो मोड ए एन जेड पावर एन से हम स्टार्ट करते हैं और ऊपर जो हमने कंडीशंस uh, अज्यूम करी है पहले पार्ट में वो सारी एज इट इज चल रही है तो uh, ये uh, ये जो है इसे हम लिख सकते हैं इक्वल मोड ए एन मोड जेड पावर एन ठीक है और मोड ए एन जो है वो हमारा था लेस देन इक्वल वन अपॉन आर की पावर एन मोड जेड पावर एन राइट अब ऐसा करते हैं हम लेट मोड uh, जेड जो है ये हमने लिया था लेस देन कैपिटल आर तो इन दोनों के कैपिटल आर के और मोड uh, जेड के बीच में एक नंबर रो ले लेते हैं हम ठीक है तो रो हमने एक रियल नंबर ले लिया जो मोड जेड से तो ग्रेटर या इक्वल है और कैपिटल आर से छोटा है ओके तो हम मोड जेड की जगह ये रो पुट करेंगे तो ये बनेगा लेस देन इक्वल रो पावर एन अपॉन आर पावर एन ठीक है मतलब हमारे पास मोड ए एन जेड पावर एन लेस देन इक्वल आ रहा है रो अपॉन आर की पावर एन ठीक है देखो फंक्शन का जो मोड था वो हमें लेस देन इक्वल किसी पॉजिटिव रियल नंबर से चाहिए था तो बन गया हमारे पास ये नंबर अच्छा यहाँ अगर हम देखें आ, रो अपॉन आर कैलकुलेट करें तो ये लेस देन वन आता है ठीक है तो हियर सीरीज ये वाली जो सीरीज है रो अपॉन आर की पावर एन ठीक है ये अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज है इज ज्योमेट्रिक सीरीज एंड इट कन्वर्ज इज एज रो अपॉन आर इज लेस देन वन तो ये वाली सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है मतलब ये जो रियल नंबर है इसकी अगर हम सीरीज बनाए तो जोमेट्रिक सीरीज है और ये कन्वर्जेंट है तो जब ये एम एन सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो बाय टेस्ट हम क्या कह सकते हैं बाय टेस्ट जो हमारी पावर सीरीज है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर मोड जेड लेस देन इक्वल रो लेस देन कैपिटल आर इस कंडीशन को जब मोड जेड सेटिस्फाई करेगा तो सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए देखो हमें कंडीशन दे रखी है मोड जेड ग्रेटर देन आर ठीक है ऐसा करते हैं लेट आर लेस देन रो लेस देन इक्वल मोड जेड हम कैपिटल आर और जेड के बीच में एक रियल नंबर रो अज्यूम कर लेते हैं तो देखो कैपिटल आर से रो बड़ा है तो वन अपॉन रो जो है वो छोटा होगा वन अपॉन कैपिटल आर से ओके एंड कैपिटल आर जो है वो हमने अज्यूम किया था लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी सुप्रीम मोड ए एन पावर वन अपॉन एन को ठीक है और इससे हमने लिखा था क्योंकि वन अपॉन आर इसका सुप्रीमम है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड होगा वन अपॉन आर तो ये जो है मोड ए एन पावर वन अपॉन एन ये लेस देन इक्वल होगा वन अपॉन आर से ठीक है अब क्योंकि वन अपॉन आर जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है सबसे छोटा अपर बाउंड तो इससे छोटा नंबर वन अपॉन आर जो है वो अपर बाउंड नहीं हो सकता ठीक है तो कम से कम एन की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी आ, सिंस वन अपॉन आर इज सुप्रीम फोर मोड ए एन पावर वन अपॉन एन ठीक है एंड वन अपॉन रो इज लेस देन वन अपॉन आर सो फॉर सम एन ये जो है मोड ए एन पावर वन अपॉन एन ये ग्रेटर होगा वन अपॉन रो से क्योंकि अगर ये लेस देन इक्वल वन अपॉन रो हुआ तो फिर वन अपॉन रो भी अपर बाउंड बन जाएगा ना और वन अपॉन रो अगर अपर बाउंड बन गया तो वन अपॉन आर लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा अपर बाउंड कैसे रहेगा क्योंकि उससे छोटा नंबर अपर बाउंड हो जाएगा तो कम से कम ऐसी वैल्यू कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी ये एन की जिसके लिए ये ग्रेटर देन वन अपॉन रो होगा ठीक है तो यहाँ से मोड ए एन जो है वो ग्रेटर देन होगा वन अपॉन रो की पावर एन ठीक है तो अब हम अगर जो हमारी सीरीज़ की टर्म्स थी उन पे ये चीज़ अप्लाई करें तो मैं लिखती हूँ क्या होगा तो क्योंकि हमारे पास हमारे पास मोड ए एन जो है ये ग्रेटर देन आर है वन अपॉन रो पावर एन से हम दोनों तरफ मोड जेड पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोड ए एन मोड जेड पावर एन ग्रेटर देन होगा वन अपॉन रो पावर एन मोड जेड पावर एन यानी कि मोड ए एन जेड पावर एन ग्रेटर देन है मोड जेड अपॉन रो की पावर एन से ठीक है क्योंकि हमने रो जो है वो अज्यूम इस तरह से किया है कैपिटल आर से बड़ा और लेस देन इक्वल मोड जेड तो अगर हम यहाँ से मोड जेड अपॉन रो निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल वन आएगा राइट तो ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल वन है तो जब इसकी पावर एन जो है वो इन्फिनी को अप्रोच करेगी तो ये नंबर भी इन्फिटी को अप्रोच करेगा इनफैक्ट हम कंडीशन अज्यूम करते टाइम इसे यहाँ लेस ले लेंगे इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि अगर वन बन गया तो फिर हमारी कंडीशन स्पॉइल हो जाएगी ना तो जब हम अपनी मर्जी से ही ले रहे हैं क्योंकि हमें मोड जेड आर से ग्रेटर लेना है ग्रेटर लेना है तो बीच का नंबर है उससे भी मोड जेड को ग्रेटर ही रखते हैं तो ये स्टार्टिंग में जहां मैंने ये लिखी थी कंडीशन वहां पर भी इसे चेंज कर लीजिएगा तो मोड जेड अपॉन रो जो है इट इज ग्रेटर देन वन वन से बड़ा नंबर है और वन से बड़े नंबर की पावर जब इनफाइनाइट को अप्रोच करती है तो वो नंबर भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा ठीक है सिंस मोड जेड अपॉन रो ग्रेटर देन वन सो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इट इम्प्लाइज मोड जेड अपॉन रोप पावर एन टेंड्स टू इन्फिनी ये भी इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा ठीक है ये इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये नंबर इससे बड़ा है तो ये भी इंफाइनाइट को अप्रोच करेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ए एन जेड पावर एन मोड टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी ठीक है और ये जो टर्म्स है ये इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रही है मतलब ये टर्म्स अनबाउंडेड है और सीरीज डाइवर्जेंट है हर टर्म इनफाइनाइट को अप्रोच करिए तो ये जो है टर्म्स अनबाउंडेड हो गई ना इट इंप्लाइज टर्म्स ऑफ पावर सीरीज आर अनबाउंडेड एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट ठीक है यही हमें प्रूव करना था तो कोशी हडमार्स थ्योरम के बाद हम कह सकते हैं अगर वन अपॉन आर इक्वल हम लिमिट एन टेंस टू तो इनफिनिटी सुप्रीम मोड ए एन पावर वन अपॉन एन कैलकुलेट करते हैं इस तरह से हम वन अपन आर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी पावर सीरीज मोड जेड लेस देन आर के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी मोड जेड लेस देन इक्वल रो यहाँ पे रो जो है वो आर से लेस लिया था हमने उसके लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी और मोड z अगर ग्रेटर देन आर है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो यहाँ पे कोशी हडमार्स थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू